नरसिंहगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत मीठनपुर चौकी के जंगलों में एक सप्ताह पूर्व एक अज्ञात लाश मिलने की सूचना पुलिस टीम को प्राप्त हुई थी। सूचना पर त्वरित संज्ञान लेकर मौके पर कार्रवाई की गई और साथ ही वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देश में जल्द ही मामले में प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की गई। जिला पुलिस कप्तान प्रदीप शर्मा द्वारा इस मामले की बारीकी से जांच करने के दिशा निर्देश दिए गए। वही प्रारंभिक तौर पर अज्ञात लाश का पंचनामा तैयार कर मर्ग क्रमांक 48/2021 कायम कर जांच प्रारंभ की गई। जांच उपरांत प्रकरण में अपराध दर्ज कर धारा 302 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया और साथ ही में जल्द ही मामले को सुलझा लिया गया। एक सप्ताह में सावन सोमवार एवं मुहर्रम के त्यौहार की लगातार चल रही ड्यूटी के बावजूद थाना नरसिंहगढ़ की पुलिस टीम द्वारा मिठनपुर चौकी के जंगल में हुए अंधे कत्ल का खुलासा कर दिया गया। सर, जो एक हफ्ते पहले जो हत्या हुई थी उसका आपने खुलासा किया है, सर उसके बारे में थोड़ी जानकारी दे दें, क्या मामला था सर? दिनांक 14/8 की बात है, रात में 11:30 बजे के आसपास सूचना प्राप्त हुई थी कि एक मृतक को लेके आया है जिसके शरीर में धारदार हथियार से काटपीट की गई है। तत्काल पुलिस बल के साथ में अस्पताल पहुँचा, हालात देखा वहाँ पे और जो कुछ जानकारी प्राप्त करी, तत्काल ही हमने मेरे द्वारा श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया था, जिनके द्वारा मार्गदर्शन भी प्राप्त किया। मैंने रिपोर्ट के आधार पर अपराध क्रमांक 464/21 धारा 302 अज्ञात आरोपी के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया था। मामले की खुलासा करते करते और अधिकारियों के मार्गदर्शन में जानकारी ये उभर के सामने आई कि मृतक और आरोपी दोनों की मुलाकात जेल में हुई थी, किसी अन्य मामले में ये लोग बंद थे, धारा 302 बंद थे, वहाँ इनकी आपस में मुलाकातें हुई थी, पैसों का कोई लेन देन की इसी दौरान की हुआ था, जिसको लेने के लिए आरोपी मृतक के पास में उसे कहने पे आया था। अब ये जंगल में मिठनपुर के जंगल में गए थे और पैसों के सिलसिले में गए थे, वहाँ जाकर के पता नहीं इन लोगों के बीच में क्या शंका कुशंका उत्पन्न हुई और आरोपी को ये लगा कि शायद मेरा कोई पैसा ये शायद वापस देगा नहीं, टाइप की बातों को लेकर के हसीये से आरोपी के द्वारा कई बार किए गए थे, जिससे बाल मुकुंद की मृत्यु हो गई थी। इस मामले में वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश, थाना स्टाफ के सहयोग और बैरसियर से भी दो आरक्षक है, उन्होंने भी काफ़ी सहयोग दिया था। खासकर इसमें रोल हमारा साइबर का भी रहा, जिसके माध्यम से हम आरोपी तक पहुंचने में सफल रहे। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए राजगढ़ से नाज़िम अल्ताफ की रिपोर्ट।